हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। हमारी एक व्यूअर है अर्चना, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि जब वो फॉर्म सेव कर रही है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तो फॉर्म शो नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण है इसी के बारे में जानेंगे। ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करते हैं और ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट पर कर देंगे क्लिक, व्यू पे जाएंगे और यहाँ से आ जाएंगे डिजाइन व्यू पे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप फॉर्म पे भी जा सकते हैं। मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ, यहाँ से मैं इसे लिख देता हूँ टेबल एफ, ये लिख दिया हमने और टेबल एफ के नाम से इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पर आईडी आ रही है, यहाँ पर तरह तरह के डेटा टाइप्स आपको दिखाई पड़ जाएंगे, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस और नो डेटा टाइप, क्वेरी ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक अटैचमेंट, लुकअप विजार्ड, इन सब का डिटेल में डिस्कशन मैंने किया है पुराने वीडियोज में। आप हमारे चैनल पर जाकर के और DBMS जो प्लेलिस्ट बनाया उसको चूज करके उसमें देख सकते हैं, वीडियोस आपको मिल जाएंगी वहां से। यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप में टेक्स्ट हम एंटर करते हैं, मेमो में कोई छोटी सी मेमोरी, कोई छोटी सी बात, जैसे कि आई एम ड्राइविंग, आई एम स्लीपिंग, इस टाइप के मैसेजेस आप लिख सकते हो इसको मेमो में, मेमो जो डेटा टाइप है। नंबर में नंबर आएगा, डेट एंड टाइम में कैलेंडर शो हो जाएगा, यानी कि डेट एंड टाइम आप चूज कर सकते हो। करेंसी, यानी ये करेंसी के लिए ही बनी होती है, आप करेंसी टाइप करोगे, जैसे इंडियन करेंसी रुपीज होती है तो रिपोर्ट रुपीज का सिंबल आ जाएगा इसमें। ऑटो नंबर खुद से नंबर जनरेट करता है। यस और नो, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है, इसके भी बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं जाकर के। यस और नो डेटा टाइप क्या करता है, जैसे सपोज कीजिए कोई मेल है या फीमेल है, ये बात आपको टिक करनी है, तो टिक के माध्यम से आप बता सकते हैं यस और नो डेटा टाइप चूज करके। यहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट है, फिर हाइपरलिंक है, फिर अटैचमेंट है, लुकअप विजार्ड है, ये सारे डेटा टाइप्स इस पर दिए हुए हैं। हम यहाँ पे ऑटो नंबर चूज कर लेते हैं और यहाँ पे चूज करता हूँ मैं नेम, तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट डेटा टाइप रखेंगे। अगर मान लीजिए आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं दो सब्जेक्ट ले लेता हूँ, हिंदी ले लेता हूँ और कंप्यूटर ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी कैलकुलेशन से संबंधित काम कीजिएगा और डेटा शीट व्यू में करिएगा तो आपको यहाँ पे नंबर डेटा टाइप ही चूज करना है। ठीक है, अगर टेक्स्ट चूज करेंगे तो नंबर भी ऑब्वियसली लिख पाएंगे आप उसमें, टेक्स्ट भी लिख पाएंगे, नंबर भी लिख पाएंगे, लेकिन दिक्कत क्या होगी, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आप नंबर डेटा टाइप चूज कर लें और यहाँ पर हमें टोटल करना है, तो यहाँ से ओके प्रेस किया और यहाँ से ओके प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर आप नेम हम लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ, जैसे राम लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो मार्क्स देने हैं वो मार्क्स दे देता हूँ और यहाँ पर इसी तरह से दूसरा नाम, देखिए ऑटो नंबर अपने आप जनरेट हो रहा है, आईडी अपने आप जनरेट हो रही है। ठीक है, रिया हुआ, फॉर्म नहीं सेव हुआ, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली फॉर्म पे चलता हूँ, फॉर्म ही बनाते हैं हम सीधा, तो यहाँ से फॉर्म पे आएंगे, ये फॉर्म हमारा बन चुका है। लेकिन जब तक आप फिर से इसे सेव नहीं करोगे ये सेव नहीं होगा। आते हैं डिजाइन व्यू में, कर लेता हूँ, इसमें बड़े चेंज की जरूरत नहीं, और यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आएंगे, यहाँ पर फुटर पे चाहे तो हम बटन भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम भी यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ पे मैं दे देता हूँ मार्कशीट। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पर हम कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये मार्कशीट है तो इसके बैकग्राउंड पे क्या कलर देना है यहाँ से आप चूज कर ले, वो कलर आप दे सकते हैं, और इसको हम रख देते हैं व्हाइट कलर में ताकि ये अच्छे से शो होगा। ठीक है, और इसको बीच में शिफ्ट कर सकते हैं मार्कशीट को। ओके, इन सारे डेटास को भी चाहे तो आप बीच में शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से पकड़िए, एक बार सिलेक्शन में लीजिए इसको और यहाँ से उठाइए और बीच में आप शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ से ऐसे आ जाएगा ये। अब चलिए बटन्स बना लेते हैं हम, और देखिए फॉर्म क्यों नहीं सेव होता है, देखिए यहाँ से पहले बटन क्रिएट करते हैं फिर बताता हूँ। यहाँ से एक बटन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बस एक ही बटन क्रिएट करूँगा क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, सिर्फ इसलिए कि फॉर्म क्यों नहीं सेव हो रहा है इसी को लेकर के वीडियो मैं बस बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आएंगे और अब सेव का हमें बटन बनाना है, तो देखिए यहाँ पर सेव का बटन है, ये सेव पे क्लिक किया हमने और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पिक्चर हमें चाहिए नहीं, हम टेक्स्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट ले लिया और यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर दिया, ये सेव का बटन भी क्रिएट हो गया है। अब हमको सिंपली यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के पहले यहाँ से ये सेव वाले बटन पे क्लिक करना है या फिर यहाँ से भी जाके आप सेव कर सकते हैं इसको। फॉर्म
एम के नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जब हम सेव कर देंगे तो ये फॉर्म सेव हो जाएगा। अब जबकि हम यहाँ पर आएंगे तो ये देख सकते हैं ये इस तरह से शो करेगा। अच्छा, हम चाहते हैं सेव वाला बटन ऊपर दिखाई पड़े, तो आप यहाँ से फुटर से इसे हटा सकते हैं। इसको मैं कट कर लेता हूँ फुटर से, ये यहाँ से हमने कट कर लिया। और इसको हम चाहते हैं कि ये फुटर हम हटा दें, तो फुटर को यहाँ से ला करके आप ऐसे कर दीजिए और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये जब पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको ड्रैग करके नीचे ले आइए। आप जहाँ पर भी शिफ्ट करना चाहते हैं इसको शिफ्ट कर लीजिए, देन सेव कर लीजिए। यहाँ से सेव कर लीजिए, यहाँ से आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ जाएगी और प्रॉब्लम कुछ आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही नया रिकॉर्ड एंटर करना चाहेंगे तो यहाँ से नया रिकॉर्ड एंटर कर पाएंगे आप। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया मैंने, ये कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से करके ही आ रहा है। अब इसको सेव कर लिया हमने, अब यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। अगर हम इसको दोबारा से ओपन करते हैं तो क्या ये तीनों रिकॉर्ड शो होंगे जो हमने एंटर किए? लास्ट नेम हमने उर्मिला एंटर किया था, आइए देख लेते हैं। फॉर्म पे चलते हैं और ये देख सकते हैं, ये पहला रिकॉर्ड है राम, दूसरा देखिए रिया, तीसरा राजू और चौथा उर्मिला। ये सेव हो चुका है, यानी सेव वाला बटन भी काम कर रहा है। तो हमारी दोनों चीजें सेव हो चुकी हैं, फॉर्म भी सेव हो चुका, टेबल भी सेव हो चुका। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप सेव कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।